गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपका चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं सनम बसानी। डिस्कस करेंगे IASbaba का डेली करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2018 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है थोड़ा जस्टिस बी एन श्री कृष्ण कमेटी के बारे में। तो यहाँ जानेंगे क्या है, ये कमेटी क्यों बनाई गई है। तो बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन कमेटी है और ये एक्सपर्ट पैनल है डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। ये अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो कि एक ड्राफ्ट है वो 2018 में सबमिट कर दी है। और ये बोली है गवर्नमेंट को कि मतलब हम लोग को कुछ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, कुछ डेटा को क्रिटिकल डेटा के नाम से क्लासिफाई कर देना चाहिए कि हाँ कुछ डेटा जो है क्रिटिकल डेटा है। और इनमें पेनल्टीज़ होने चाहिए वो लोग जो डेटा लूज़ करते हैं, और प्लस जो लोग डेटा लूज़ करेंगे वो लोग कंपनसेशन देना पड़ेगा जिनका डेटा लॉस होता है। तो यहाँ पर ये है। इसके अलावा एक बहुत यहाँ पर सही बात है क्या, यहाँ पर चिल्ड्रन को अलग से बोला गया कि चिल्ड्रन का जो डेटा उनको थोड़ा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका जो लॉज है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनीज जो है उनको किसी तरह का मतलब बैरियर लगाना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन, तो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा बैरियर होना चाहिए। किस तरह का बैरियर होना चाहिए कि बच्चा लोग का बिहेवियर मॉनिटरिंग उन्होंने ना करे, उन लोग का ट्रैकिंग ना करे और उन लोग का टारगेटेड एडवर्टाइजिंग ना करे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक बच्चा है उसका बिहेवियर मॉनिटर कर लेता बहुत कंपनीज़ कि वो बच्चा रेगुलरली क्या है कि सपोज़ कीजिए कोई वीडियो गेम सर्च कर रहा है, ठीक है, बहुत दिन से अमेज़ॉन में वो सर्च किया जा रहा है। तो क्या होता है कि वो क्या करती है कंपनी उसका बिहेवियर को मॉनिटर करने लगती है कि हाँ वो जो है वो किस किस तरह से इवॉल्व कर रहा है। वो पहले ये वीडियो गेम देख रहा था, फिर उसका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया, वो इस पर आ गया है, तो हो सकता है कि हाँ वो इसकी तरफ जा रहा हो तो उसको उसी तरह का एडवर्टाइजमेंट शो करना है। इसके अलावा ट्रैकिंग की आ रही है, बच्चा यहाँ पर रहता है फिर ये यहाँ पर ये एरिया में बच्चा का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वो ट्रैकिंग। इसके अलावा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को उनके नेसेसिटीज़ के हिसाब से कुछ ओवर प्राइज्ड सामान दिखा के उन लोगों मतलब अट्रैक्ट कर लेने का चीज़, वो टारगेटेड जो होता है ना, क्योंकि बच्चे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होता है तो वो सब चीज़ को रोकने की यहाँ पे बात की गई है इसमें। अब सेकंड जो बात है वो AI SHE के बारे में है। तो ये थोड़ा मतलब भारत के जो अभी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं तो उनके बारे में। तो ये AI SHE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2017 एंड 2019, एक रिपोर्ट 2017-18 का। यहाँ पे यह है कि बोला जा रहा है टीचर है वो डिक्रीज़ कर गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.34 लाख लास्ट के 3 साल में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे ये वाइड स्प्रेड कंसर्न है क्योंकि देखिए वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ऐसा है कि जो बच्चे उनको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है यहाँ पे ये दिक्कत है। क्योंकि जो हर लेवल में वैकेंसीज़ फिलअप नहीं हो रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे मेन रीज़न नहीं दिया हुआ, मेन रीज़न ये है कि भी टीचर्स की कंडीशन कुछ सही नहीं है, सैलरी का कोई ठीक ठिकाना नहीं होता, जो जिस यूनिवर्सिटी को जैसा लगता है वो अपनी सैलरी देती है। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा है बात कि ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। वो बेसिकली सब कुछ ये किया हुआ, रेगुलेट किया हुआ है, लेकिन होता ये नहीं। ऑफकोर्स ये सामने चीज़ देखने में नहीं पता चलती है। और टीचर का कुछ ज़िंदगी का मतलब कुछ खास वैसा कुछ बहुत हम लोग नहीं बोल सकते कि पॉश ज़िंदगी वो होता है वो लोग का, और बहुत रिलैक्सेबल होता है ऐसा भी नहीं है, बहुत माथा कटाने वाला ज़िंदगी होता है टीचर्स का ऑफकोर्स। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे वैकेंसीज जो फिलअप नहीं होती है। क्रिटिक्स का हमेशा कुछ ना कुछ कहना होता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी जो डेटा बना है, अभी नया जो डेटा आया है वो आधार के नंबर के ऊपर आया है कि जो लोग आधार के नंबर दिए उन लोग से उनका टीचर का जो जॉब है वो लिंक्ड है, तो वहाँ टीचर है वो पता चल जाता है। तो इसलिए थोड़ा कम हम लोग के पास डेटा, इससे ज़्यादा आधार लोग के पास होते आएगा तो डेटा जो आगे उठ के आते जाएगा। तो ये क्रिटिक्स का कहना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। भारत को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिली है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, तो वो बोला है कि इंडिया एक नोडल सेंटर मतलब एक मेन सेंटर बन सकता है किसके लिए, फ्लैश फ्लड फोरकास्ट के लिए। अब इसके लिए एक इंडिया को एक कस्टमाइज मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि एक मतलब एक तरह का है कि एडवांस्ड मॉडल रहेगा जो कि फ्यूचर में क्या मतलब फ्लड का कंडीशन हो सकता है वो दिखा सके। किसके लिए? तो कुछ एशियन नेशंस जैसे कि वियतनाम, लाओस, श्रीलंका जो इंडिया के पास पड़ते हैं, तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ये चीज़ बात की गई है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को भी बोला गया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ आप भी अपना साथ दीजिए, तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया, अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो। और यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि सुनामी का अभी ही फोरकास्ट दे सकता है। तो हम लोग को एक जो भी हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में जो भी सिस्टम बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक ऐड ऑन होगा। ये क्या करेगा, उसको डबल कर देगा उसका पावर को। यहाँ पे यही कहने का मतलब है, ये जो डबल का जो टर्म है उसका। इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन जो है CWC, तो वो क्या करता है इस समय में, CWC वार्न करता है भाई कि फ्लड जो हम लोग का जो डैम्स है वो डैम का जो वाटर लेवल वो चेक करता है, फिर बताता है कि डैम का वाटर लेवल बढ़ रहा है तो फ्लड की सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो इस तरह का जो काम है वो चीज़ अभी ही होता है। अब मेन फोकस में डिस्कस करेंगे आज जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के ऊपर, जो कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कॉर्प है। तो यहाँ पे थोड़ा जानेंगे क्या है। तो नीति आयोग ये बोला कि हम लोग जो
स्टेट है उसको जीरो बजट नेशनल फार्मिंग जो है वो दो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तहत अपना लेनी चाहिए, जो कि परंपरागत कृषि योजना और एक है राष्ट्र कृषि विकास योजना। तो ये दोनों योजना आप लोग लिख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए यहाँ पे कि किस तरह से जो कॉस्ट है प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन का उसको कम करना है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ लाने की बात की जा रही है ज़ीरो बजट नेशनल फार्मिंग। अब यहाँ पे नाम से क्लियर है कि ज़ीरो बजट होने वाला है। अब सुभाष पालेकर जो हैं एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो उनके द्वारा ये एक आया था, ये मतलब थॉट यहाँ पे ये था कि हम लोग को फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को रिड्यूस मतलब चेंज कर देना चाहिए, काउ डंक, काउ यूरिन, जैगरी, पल्स फ्लोर और कुछ मतलब इस तरह से सामान यूज़ करना जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग को मिल जाए। और यहाँ पे इससे क्या होगा कि सॉइल कंडीशन बढ़िया होगा, प्लांट जो ग्रोथ है वो भी बढ़िया होगा। यहाँ पे ये होता क्या है कि इस तरह से क्या होता है कि ये लोग जैसे देखिए आप लोग नॉर्मल भी देखे होंगे कि हम लोग अगर इस तरह का चीज़ डालें सॉइल में तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो वाटर रिटेंशन है मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल का बढ़ाता है। यहाँ पे क्या होता है अगर सीड को हम लोग काउ डंक या यूरिन से कवर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कवरिंग है एक तरह का प्रोटेक्शन जो है इससे क्या होता है कि जो कीड़ा होता है ना लगने का मतलब माइक्रोब्स जो लग जाते हैं कीड़ा में मतलब सॉरी सीड्स में तो वो नहीं लगते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग उसको लग रहा हो कि जो गोबर होता है जो भी काउ डंग होता है तो उसको लोग डालेंगे तो उसमें पहले से कीड़ा लगा होता है। तो दोस्तों वो जो कीड़ा होता है वो एक तरह का मतलब ओवरवॉर्म टाइप का होता है, वो लोग क्या करते हैं डिग करना चालू करते होल, और वो जो होल डिग करते ना वो लोग अंदर जा करके रहते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी जगह मिल जाता है। और वो जो होल होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो अब्जॉर्ब होता है, इसके अलावा वहाँ पे एयर भी अब्जॉर्ब होता है जो कि प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। और जो माइक्रोब्स बेसिकली लगता है हम लोग तो वो लोग ऐसा कीड़ा होता है कुछ जो कि खाना स्टार्ट कर देते हैं सीड्स को, तो वो नॉर्मल एयर में लग सकता है और काउ डंग रहेगा तो वो जो माइक्रोब्स है वो नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा अंतर है यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब केस स्टडी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में अपनाया गया इसको 163,000 फार्मर्स के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 150,000 एकर ऑफ फार्मलैंड में, और देख वो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से मतलब वो हो ही गुजरता है, मतलब 6 अलग अलग तरह का वहाँ पे देखने को मिलता है। कहीं पे बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल ज़मीन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पे खारा पानी है, तो उस तरह का क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग टेस्ट करके देखा गया। और ये पता चला हम लोग का कि कॉटन का जिस जो क्रॉप्स है उसका जो यील्ड है वो 11% बढ़ रहा है, पैडी का क्रॉप का यील्ड 12% बढ़ रहा है, ग्राउंडनट जो वो 23% बढ़ रहा है, और चिलीज़ का 34% बढ़ रहा है, जो कि मतलब अभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके ऊपर से जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो आधा पड़ रहा है, मतलब जितना पहले पड़ रहा था उतना नहीं पड़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गया, तो वो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और अब बोला गया ZNBF जो है वो एक तरह का ट्रेंड में रहा है स्मॉल स्केल फार्मर का, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम लोग को मतलब जैसे अभी क्या हुआ कि AP गवर्नमेंट ये लेके आई, अब हर गवर्नमेंट को ये चीज़ लाना चाहिए। और अगर ये चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो दोस्तों हेल्थ के लिए और हम लोग का जो मदर अर्थ है तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये वे हेड देखेंगे, देखिए ऑफकोर्स पॉलिसी और पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन ज़रूरी है, पॉलिसीज़ नहीं आएंगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन अट्रैक्शन मतलब जो पॉलिटिकल अट्रैक्शन जो है वो अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया कि कोर ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या है कि हम लोग को नेचुरल फार्मिंग लेके आना है, ठीक है। ये क्या है कि ये जो ZNBF है वो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है वो हम लोग को हमेशा टॉप में लेकर के चलना पड़ेगा, यही हमारा एजेंडा है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सब्सिडी हम लोग केमिकल और फर्टिलाइजर्स पे देते हैं कि सब्सिडी है फार्मर के लिए क्योंकि फार्मर लोग का इनकम कम है तो हम लोग सब्सिडी दे दिए, वो सब्सिडी जो केमिकल और फर्टिलाइजर पे देते हो आप उसको सब्सिडी को आप डाइवर्ट करो, आप ये सब चीज़ में सब्सिडी दो तो क्या होगा, आदमी पहले तो ये सस्ता है ऊपर से ये लेने भी ज़्यादा पसंद करेगा, तो वो जो चीज़ है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोलने का कोशिश किया। चैलेंज ये है कि पहले हम लोग को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है बोला गया है कि मतलब एक ऐसा है कि हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, अभी क्या है कि हम लोग जो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम लोग पैसे की तरफ भागते तो उस चीज़ को अगर हम लोग हटाते हैं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड इंडस्ट्री अगर हटेगा तो क्या होगा कि पैसा का थोड़ा मार होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा खुद का थॉट को कि नहीं ये चीज़ को हटाना है चाहे जो हो जाए, और एक ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ की भारत का 60% पॉपुलेशन इस चीज़ में इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा भारत का जो 60% ऑफ पॉपुलेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही इंक्लूडेड है, तो ये जो चीज़ है हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम लोग इस चीज़ को कम्प्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा बात होगा। और यहाँ पे नीति आयोग का ये बोला गया, बहुत एक सही व्यू है यहाँ पे नीति आयोग का कि हम लोग को जो इनकम है फार्मर का वो डबल कर लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ZNBF अगर हम लोग
अब ये करते हैं, अपनाते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया इफेक्टिव भी हो सकता है कि जो फार्मर का इनकम है वो डबल हो जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होने वाला है, तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला दोनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, यही था हम लोग का क्वेश्चन आज, ये कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2020 इन द रीसेंट प्रपोजल ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन थ्रू जीरो बजट नेशनल फार्मिंग स्टैंड्स टू एनहांस द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन फॉर फार्मर्स। तो दोस्तों यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा वीडियो जो है वो चुका खत्म। रखो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया वीडियो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।